आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या के कारण हर समय हड़बड़ी वाला रवैया, काम धंधे का तनाव या फिर कोई और दूसरी टेंशन और खान पान की खराब आदतें, ये सभी मिलकर हमें दिन भर में पूरा थका देते हैं। और काम से लौटकर जब शाम को हम घर पहुंचते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ भी काम करने के लिए शक्ति, ताकत या ऊर्जा नहीं बची है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि दिन भर हमने कोई पहाड़ खोदा हो या कोई बहुत अधिक मेहनत वाला काम किया हो। हम अपना केवल दैनिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और उसी में ही हम बुरी तरीके से थक जा रहे हैं। और पहले लोगों को ऐसी थकावट 55 या 60 साल के उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल के युवा साथियों में भी ये समस्या हो रही है कि उन्हें दिन भर के कामकाज के बाद काफ़ी थकावट और कमजोरी जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे थकावट और कमजोरी को दूर करने वाली दो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधियों शिलाजीत तथा अश्वगंधा के बारे में। लेकिन इन दोनों दवाओं का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि ये दवाएं केवल मर्दाना ताकत या सेक्स संबंधी समस्याओं में ही उपयोगी होती हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन दवाओं के विज्ञापनों या चित्रों में ऐसा ही दिखाया या दर्शाया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों दवाइयाँ अश्वगंधा और शिलाजीत सेक्स संबंधी समस्याओं को दूर करने के अलावा अन्य कई बीमारियों में भी लाभकारी होती हैं और बहुत से समस्याओं को दूर करने में कारगर होती हैं, सक्षम होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो शिलाजीत वर्सेस अश्वगंधा इस टॉपिक पर बात करते हुए हम इन दोनों दवाओं के उपयोग के बारे में जानेंगे तथा दोनों का कंपेरिजन करते हुए यह जानेंगे कि कौन से रोग में कौन सी दवा बेहतर तरीके से काम करती है तथा इनका प्रयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो शिलाजीत वर्सेस अश्वगंधा, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में चिकित्सा संबंधी सलाह या परामर्श चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 149 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कृपया फ़ोन कॉल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तथा शाम 6 से 9 बजे के बीच ही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शिलाजीत वर्सेस अश्वगंधा। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिलाजीत है क्या। शिलाजीत पहाड़ों से निकलने वाला एक प्राकृतिक खनिज द्रव्य है। मिनरल पीछे रेजिन है। पहाड़ों पर चट्टानों के बीच में मौजूद पेड़ पौधों के अपघटन स्वरूप बना पदार्थ और विभिन्न धातुओं व तत्वों के खनिज द्रव्य गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप से पिघलकर दरारों में से रिसकर चिपचिपा जैसा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। इसे ही शिलाजीत कहते हैं। वास्तव में यह पहाड़ों से निकलने वाला एक निर्यास है। यह देखने में डामर या तारकोल जैसा होता है और सूखने पर चमकीला काला भूरे रंग का दिखाई देता है। इसकी सुगंध गाय के मूत्र के जैसी यानी कि गोमूत्र गंधी होती है और यह स्वाद में कड़वा तथा कसैला होता है। मतलब गर्मी के दिनों में पहाड़ों से रिसने वाले इस तरल चिपचिपे पदार्थ को ही शिलाजीत कहते हैं। यह शिलाजीत हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है और विभिन्न तत्वों के मिश्रण तथा जड़ी बूटियों के अपघटन से बना होने के कारण यह अनेक विटामिन तथा खनिज लवण और पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने के कारण यह एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों से भी भरपूर होता है और आयुर्वेद में इसका उपयोग दवा के रूप में हजारों वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। ये तो हुई शिलाजीत की बात, और आइए अब जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक पौधा होता है जिसकी जड़ों को पीसकर अश्वगंधा का चूर्ण बनाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम वाइथेनिया सोमनीफेरा, और इस पौधे में से घोड़े की जैसी गंध आने के कारण आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने इसका नाम अश्वगंधा रखा है। और अश्वगंधा तथा शिलाजीत दोनों का ही दवाइयों के रूप में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है और इनका उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत पहले से किया जाता रहा है। ये तो हुआ दोनों औषधियों का परिचय, और आइए अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम जानेंगे कि ये दवाएं कौन कौन से रोगों में उपयोगी होती हैं और किस में कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए जानते हैं कि कमजोरी और थकावट को दूर करने में अश्वगंधा या शिलाजीत में से कौन ज़्यादा बेहतर होती है।
क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी समस्या जिसमें इंसान अपने आप को हमेशा थका हुआ महसूस करता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने की उसमें इच्छा नहीं होती है, वह बिल्कुल सुस्त होता है और दिन भर आलसी जैसे पड़े रहता है। लेकिन स्टडी से ये पता चलता है कि शिलाजीत का नियमित तौर पर प्रयोग करने से शरीर के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के प्रोडक्शन को शिलाजीत बढ़ा देता है और ऊर्जा का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से व्यक्ति हर समय अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, ऊर्जावान महसूस करता है, उसकी थकावट और कमजोरी दूर होती है। और एक उम्र के बाद लगभग 50 साल के बाद सभी लोगों में ये समस्या होती है, अतः ऐसे में अगर हम शिलाजीत का उपयोग करें तो थकावट और कमजोरी की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। वहीं अश्वगंधा का नियमित तौर पर उपयोग करने से हमारे लंग्स यानी फेफड़ों की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर के सभी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा बढ़ती है, एथलेटिक पावर बढ़ता है। और अश्वगंधा के प्रयोग से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट और बलवान होता है, क्षमता बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है तथा थकावट और कमजोरी दूर होती है। इस प्रकार थकावट और कमजोरी को दूर करने में दोनों ही दवाइयाँ लाभकारी होती हैं। लेकिन चूंकि शिलाजीत अनेक प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है और इसीलिए ही शिलाजीत का उपयोग करने से इन ट्रांस एलिमेंट्स या खनिज तत्वों की कमी के कारण होने वाले कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह शरीर में एक प्रकार की खून की कमी है जो इसलिए होती है क्योंकि शरीर में आयरन की कमी होती है और शिलाजीत का उपयोग करने से यह कमी दूर होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लाभ मिलता है। अतः अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिलाजीत का उपयोग हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और आइए अब जानते हैं कि शिलाजीत और अश्वगंधा का दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये ब्रेन पर किस प्रकार इफेक्ट डालती हैं। शिलाजीत के नियमित प्रयोग से अल्जाइमर डिसीज़ में लाभ मिलता है। अल्जाइमर डिसीज़ मतलब व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे के कारण या एजिंग के प्रोसेस के कारण धीरे धीरे व्यक्ति के सोचने समझने की तार्किक क्षमता कम होते जाती है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक विशेष केमिकल हमारे ब्रेन के सेल्स में जमा होने लगता है और शिलाजीत के प्रयोग से यह समस्या दूर होती है। शिलाजीत के प्रयोग से इस समस्या में लाभ मिलता है। तो यदि आपकी उम्र अगर 50 के आसपास है और आप यदि शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपको अल्जाइमर डिसीज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और शिलाजीत का उपयोग करने से आपकी ब्रेन की कोशिकाएं हेल्दी रहती हैं, आप पर जल्दी बुढ़ापे का असर नहीं होता है। और अगर वहीं अश्वगंधा की बात करें तो हमारे ब्रेन पर अश्वगंधा का जबरदस्त लाभकारी प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से तनाव, एंजाइटी मतलब चिंता, अवसाद, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं और बढ़िया नींद आती है, नींद की क्वालिटी सुधरती है। और आजकल स्ट्रेस एंजाइटी किसे नहीं है और इसके कारण अधिकांश लोगों को नींद संबंधी समस्या भी है, अतः अश्वगंधा के प्रयोग से इन सब में आराम मिलता है। और अश्वगंधा के प्रयोग से ब्रेन का फंक्शंस इंप्रूव होता है और ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ती है। और इसके साथ साथ अश्वगंधा एक बहुत ही बढ़िया नर्वाइन टॉनिक होता है। यह तंत्रिका तंत्र के कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है, इसलिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन की समस्या, अक्सर ऐसा वृद्धों में होता है लेकिन आजकल कई युवाओं को भी होता है, इस समस्या में अश्वगंधा जबरदस्त फायदा करती है। अतः यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अश्वगंधा के प्रयोग से नींद संबंधी समस्या में लाभ मिलता है, जबकि शिलाजीत का नींद पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अनिद्रा या नींद संबंधी परेशानियों की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर अश्वगंधा शिलाजीत से बेहतर होता है। और आइए अब बात करते हैं यौन रोगों में शिलाजीत तथा अश्वगंधा का प्रभाव। लगभग सभी लोगों को पता है कि शिलाजीत और अश्वगंधा का प्रयोग पुरुषों में होने वाले सेक्स समस्याओं के इलाज में किया जाता है और ये वाकई बिल्कुल सच है, क्योंकि कई स्टडीज़ में ये सामने आया है कि इन दोनों दवाओं के प्रयोग से पुरुषों के मुख्य सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण से स्पर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे स्पर्म्स की काउंटिंग बढ़ती है, स्पर्म्स की क्वालिटी सुधरती है, स्पर्म्स की मोटिलिटी में सुधार होता है, सेक्स डिज़ायर यानी कि कामेक्षा बढ़ती है और इनफर्टिलिटी की समस्या में लाभ मिलता है। और इसी कारण से इन दोनों दवाओं के प्रयोग से पुरुषों में होने वाली सेक्स समस्याओं जैसे कि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजेकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, इन सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक इन सभी समस्याओं में इन दोनों दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं और
अधिकांश दवाइयाँ जो सेक्स से संबंधित होती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, उनमें शिलाजीत और अश्वगंधा अवश्य रूप से मिलाया जाता है। अतः सेक्स समस्याओं में शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों ही लगभग समान रूप से लाभकारी होती हैं या 19-20 का ही फर्क होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर सेक्स समस्याओं में इन दोनों दवाओं को मिलाकर प्रयोग किया जाए तो और भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए इन दोनों दवाइयों का प्रयोग एक साथ ही किया जाता है ताकि ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें, और इसलिए अधिकतर कंपनियां इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर बनाती हैं, जैसे कि पतंजलि की अश्वशिला। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि समान बीमारियों में दोनों औषधियां किस प्रकार से काम करती हैं, और आइए अब जानते हैं इन दोनों दवाइयों की अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में। शिलाजीत के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि यह मल्टी मिनरल होती है और इसमें ट्रांस एलिमेंट्स की मात्रा भरपूर होती है, और इसी के कारण ही यह पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को दूर करती है। और जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि शिलाजीत के प्रयोग से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में लाभ मिलता है, उसी प्रकार शिलाजीत में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो शिलाजीत का उपयोग करने से लाभ मिलता है। इन सभी के अलावा शिलाजीत का उपयोग मूत्र संबंधी रोगों में उपयोगी होता है। यह डाययूरेटिक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना और BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इन सब मूत्र संबंधी रोगों में शिलाजीत का उपयोग लाभकारी होता है। वहीं अश्वगंधा एक नेचुरल स्टेरॉयड की तरह काम करता है, और जो लोग दुबले पतले होते हैं या जिनका शरीर दुबला पतला होता है उनके शरीर को पोषित करके हिष्ट पुष्ट तथा बलवान बनाने का काम करता है। और इसके अलावा जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, अश्वगंधा हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि हाथ पैर की नसों में झुनझुनी या सुन्नपन की समस्या को दूर करने में उपयोगी होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई शिलाजीत और अश्वगंधा की अपनी अपनी विशेषताएं, और आइए अब जानते हैं कि शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों की क्या क्या समानताएं होती हैं। अश्वगंधा और शिलाजीत, इन दोनों का ही प्रयोग करने से हमारे शरीर का बैड फैट कम होता है, यानी कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वे यदि अश्वगंधा या शिलाजीत का प्रयोग करें तो इसमें लाभ मिलता है। और अपने इसी गुण के कारण ही ये दोनों दवाइयाँ हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी होती हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों ही दवाइयाँ हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं, और अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाए तो उसे लो करने का काम करती हैं। और इन दोनों ही दवाइयों में दर्द तथा सूजन को कम करने का गुण होता है, मतलब ये एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी वाली होती हैं, इसलिए इन दवाइयों का उपयोग जोड़ों के दर्द, कमर दर्द या आर्थराइटिस, गाउट, इन सभी रोगों में करने से लाभ मिलता है। और क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती हैं, इसलिए इसके प्रयोग से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, हमारा मसल मास बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ती है, पावर बढ़ता है। और इन सभी समानताओं के साथ ही ये दोनों दवाइयाँ एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती हैं, यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाली होती हैं। और आइए अब जानते हैं कि शिलाजीत और अश्वगंधा का प्रयोग करने से महिलाओं को क्या क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग करने से महिलाओं का शरीर हिष्ट पुष्ट होता है और ल्यूकोरिया की समस्या में लाभ मिलता है। वहीं शिलाजीत का उपयोग करने से महिलाओं के ओव्यूलेशन पीरियड में सुधार होता है, और इसमें आयरन तथा कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं में कैल्शियम तथा आयरन की कमी होती है। तो इस प्रकार ये दोनों औषधियाँ न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अश्वगंधा और शिलाजीत के उपयोग और उनसे होने वाले लाभ के बारे में जान लिया है, और आइए अब जानते हैं इन दोनों दवाओं की सामान्य मात्रा के बारे में, क्योंकि किसी भी दवा का रिजल्ट उसके डोज पर डिपेंड करता है। शिलाजीत की सामान्य मात्रा 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक होती है, और इसे रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और वहीं अश्वगंधा की साधारण मात्रा 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक होती है, इसे सुबह और रात में दोनों समय लिया जा सकता है तथा इसका सेवन भी दूध के साथ करना उपयुक्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार इन दोनों दवाओं का उपयोग करके हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों दवाओं का प्रयोग करने से पहले हमें एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपको आपका चिकित्सक आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार और आपकी आयु के अनुसार आपके लिए बेहतर दवा निर्धारित कर सकता है और उसका बेहतर डोज निर्धारित कर सकता है। अतः इन दोनों दवाइयों का उपयोग चिकित्सकीय निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए।
और क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ गर्म तासीर वाली होती हैं, मतलब गर्म प्रकृति वाली होती हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान भी हो सकता है। अतः बगैर चिकित्सकीय परामर्श के इन दोनों दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए और अत्यंत छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को इन दवाओं के सेवन से बचना चाहिए और बाकी लोगों को भी इन दोनों दवाओं का लगातार ज़्यादा दिन तक बगैर चिकित्सकीय सलाह के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था शिलाजीत वर्सेस अश्वगंधा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।